कुछ विशेष प्रश्नों को पूछने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करते हैं ये सोचकर कि जो आरोपित व्यक्ति है इससे कड़ाई से कुछ प्रश्न पूछेंगे प्रताड़ित करेंगे तो इस बात की आशा है कि वो उस बंगाली कन्या की मृत्यु के संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करवा दे परंतु यहाँ तो कुछ भिन्न ही देखने को मिला उस 20 मिनट के दृश्य में कुछ ऐसा अन अपेक्षित हुआ कि चलचित्र में पुलिस कर्मियों की और चलचित्र के बाहर श्रोता गणों की आंखें खुली की खुली रह गई पुलिस कर्मियों को कहानी के अनुसार अभिनय करते हुए आश्चर्यचकित होना था और चलचित्र के बाहर श्रोतागण विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल के अभिनय को देख आश्चर्यचकित रह गए इसी बीस मिनट के दृश्य के निकटतम रहते हुए हमारी चर्चा रहेगी चलचित्र का नाम है सेक्टर 36 आप सभी महानुभवों को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं यू तो मनोरोगियों पर देश विदेश के सिनेमा में अनेकों चलचित्रों का निर्माण हुआ है और हत्यारे मनोरोगियों के किरदार को अनेकों कलाकारों ने भली भांति निभाया भी है ऐसे में विक्रांत मैसी के समक्ष ये एक बड़ा प्रश्न रहा होगा कि प्रेम सिंह के चरित्र को कैसे भिन्न प्रकार से निभाना है वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एक पुलिसकर्मी की भूमिका जिसे अनेकों बार अनेकों कलाकारों ने अलग अलग रूप में निभाया है उसे दीपक डोबरियाल अलग कैसे निभाते हैं ये उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा इस 20 मिनट के दृश्य में विक्रांत मैसी ने जिस प्रकार से अभिनय किया है वो अभूतपूर्व है जिस तरह से इस मनोरोगी के पात्र में वो भिन्नता लेकर आए हैं वो लाजवाब है वो चाहे उनका बार बार आगे के बालों पर हाथ फेरना हो उनकी वो अबोध मुस्कान हो कौन बनेगा करोड़पति देखने की उत्सुकता हो और पुलिसकर्मी द्वारा बिना कोई प्रश्न किए खुद सभी के उत्तर देते चले जाना यह एक मानसिक रोगी वाले पात्र में चार चांद लगाने जैसा है एक मानसिक रोगी वाले अपराधी के मन की बात को जानना आसान नहीं होता इस तरह के अपराधी अप्रत्याशित काम कर जाते हैं पुलिस अधिकारी ये विचार करके कमरे में आए थे कि उन्हें सच उगलवाने के लिए अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी परंतु ऐसा कुछ नहीं था पुलिसकर्मियों के आते ही विक्रांत मैसी का दीपक डोबरियाल के पैरों में गिर के माफी मांगना अप्रत्याशित था प्रश्नों के फटाफट उत्तर दे देना अप्रत्याशित था हत्या करने की पूरी प्रक्रिया को जिस प्रकार से अनुभव करते हुए वो बता रहा था उसे प्रतीत होता है कि उसके अंदर किस तरह की मानसिकता पनप रही थी बंद कमरे में शरीर को काटने वाला कमरे के बाहर जब मुख्य द्वार तक पुलिसकर्मी को छोड़ने आता है तो उस लोहे के द्वार से लटक कर मंद मंद हंसी के साथ किसी बच्चे की तरह वार्तालाप करता है बीस मिनट के इस दृश्य में विक्रांत मैसी दर्शकों को अपनी अद्भुत कलाकारी से बांधे रखने में कामयाब रहते हैं परंतु एक दृश्य में क्रिया के साथ प्रतिक्रिया का भी उतना ही महत्व होता है अर्थात विक्रांत मैसी की कई बातों को अपने मिश्रित भावों से दर्शकों के समक्ष पहुंचाना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि यह जो कह रहा है वो कितनी क्रूरता भरी बात है इस कार्य को करते हैं दीपक डोबरियाल शुरुआती पूछताछ से दीपक डोबरियाल के मुख पर तसली भरे भाव आते हैं कि चलो ये प्रसन्नता की बात है कि बिना कुछ जोर जबरदस्ती किए आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया परंतु जैसे जैसे विक्रांत मैसी पहले बंगाल की की स्वीकारता है, फिर हत्या के बाद उसका क्या किया वो बताता है, फिर कितने बच्चों के साथ उसने किस तरह की क्रूरता की वो सब बताता है तो इस क्रिया के दौरान दीपक डोबरियाल की डरी हुई सहमी हुई आश्चर्य से भरी हुई आंखें बताती हैं कि ये कितनी भयानक बात बता रहा है दीपक के माथे की लकीरें उन पर आया शिकन ये बताता है कि विक्रांत कितना बड़ा दरिंदा है और प्रारंभ में दीपक को विक्रांत पर जो क्रोध आ रहा था वो धीरे धीरे हवा हो जाता है और वो विक्रांत की बातों में विलीन हो जाता है ये सब कुछ दीपक डोबरियाल के अभिनय से उत्पन्न होता है भले इस दृश्य में उनके संवाद बीस ही हो परंतु चेहरे के भावों से वो पूरी तरह से इस दृश्य का हिस्सा रहते हैं और अपने उत्कृष्ट अभिनय का परिचय देते हैं इस दृश्य में दीपक थाना अध्यक्ष हैं और उनसे बड़े अधिकारी उनके पीछे खड़े रहते हैं वो भी बिना वर्दी के विक्रांत मैसी क्योंकि एक मनोरोगी है तो उसे सामने जो चीज जैसी दिखती है वो उसे वैसे ही मानता है उसके लिए दीपक डोबरियाल बड़ा अफसर था इसलिए वो दीपक डोबरियाल से हमेशा मर्यादा में रहकर बात करता था परंतु दीपक का बॉस बड़ा अधिकारी जो उसके पीछे खड़ा रहता था वो उसके लिए आम व्यक्ति या आम अफसर जैसा था जिसे वो कई बार डांट भी देता था इस दृश्य के बाहर के चलचित्र की बात करें तो मुझे फिल्म कुछ विशेष नहीं लगी कुछ चीजों को छोड़कर शुरुआती दृश्य जहां फिल्म का नाम आता है वो काफी रचनात्मक ढंग से दिखाया गया है बाकी मैं यही कहूंगा कि किसी सच्ची घटना जिससे पूरा देश चकित रह गया हो जब आप उस घटना पर चलचित्र का निर्माण करते हैं पूरी कहानी वही रखें जो असल में घटित हुआ था निठारी कांड का केवल एक भाग लेकर अपनी कहानी बना देना दर्शकों को संतुष्ट नहीं करेगा वो इस चलचित्र को निठारी कांड मान के चल रहे हैं और आप स्थान दिल्ली का शाहदरा बता रहे हो हजम नहीं होता कम से कम नोएडा तो रखिए भले बाकी का पता बदल दें केवल हत्याकांड को दिखाकर बाकी मनगढ़ंत कहानी बना देना गलत है दूसरी बात कि इस तरह के डिप्रेस्ड कहानियों का अंत सुखद हो तो अंदर से अच्छा सा आभास आता है बाकी आप बताइए आपको यह फिल्म कैसी लगी डे